तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, प्रभास के लिए ये साल मैं कह रहा हूँ बहुत ही बेकार चल रहा है। आफ्टर बाहुबली 2 प्रभास शायद कोई पहले तो देखो स्क्रिप्ट ढंग की नहीं चुन पा रहे थे, अब उनका समय साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि इस साल पहले डंकी और सालार का क्लैश तो चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पर हो चुकी है एक और एंट्री, और वो भी कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं हुई है। इट्स अ बिग एंट्री, सीधा हॉलीवुड से एंट्री हुई है फ्रॉम DC, अपने जेसन मोमोआ की, इन द फॉर्म ऑफ अ सुपर हीरो एक्वामैन। जी दोस्तों, DC की मोस्ट मच अवेटेड मूवी एंड ऑल्सो मोस्ट लवेबल सीरीज एक्वामैन का सिक्वल एक्वामैन 2 21 दिसंबर को इस साल रिलीज होने जा रही है इन द क्रिसमस ओकेजन। देखो, क्रिसमस की हॉलीडेज का बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्मों का इंतजार रहता है, खासकर हॉलीवुड मूवीज का, हॉलीवुड सीरीज का। तो यहाँ पर इस बार डंकी एंड सालार के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। कहाँ पर? ओवरसीज में। देखो, डंकी एंड सालार इंडिया में फाड़ के जाने वाली हैं। सालार के पास, मतलब प्रभास के पास साउथ रीजन है, एंड डंकी शाहरुख खान के पास नॉर्थ बेल्ट है। तो ये दोनों अपने अपने रीजन पे तो बेस्ट बिजनेस करने वाली हैं। लेकिन अगर इंडियन सिनेमा की अगर मैं बात करूँ, इस साल जो थ्योरी चल रही है, जो ट्रेडमार्क चल रहा है कि अगर आपको 1000 करोड़ बिजनेस करना है, 1000 करोड़ आपको मूवी को ले जाना है, तो भाई साहब आपको ओवरसीज का भी भरपूर साथ चाहिए। और इसका हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आप पठान को ले लो, 400 करोड़ का बिजनेस सिर्फ ओवरसीज से आया था। अगर आप बाहुबली 2 को ले लेते हैं, तो भाई साहब ओवरसीज से मोटी कमाई आई थी, बहुत मोटी कमाई आई थी, अराउंड 400 से अबव ज़्यादा आया था। जवान के टाइम पर भी ले लो, जवान के टाइम पर अभी करंट में चल रहा है 385 या 386 करोड़ के आसपास। तो भाई साहब ओवरसीज का साथ देना बहुत ही जरूरी है अगर आपको 1000 करोड़ कंप्लीट करना है तब। लेकिन वही चीज़, बिग क्लैशेज जो हो रहे हैं इस टाइम पर, घाटा बहुत होने वाला है। देखो, एक्वामैन 2 को भी घाटा होने वाला है, उधर सालार को भी घाटा होने वाला है, उधर डंकी को भी घाटा होने वाला है। अपने अपने रीजन पर ये फाड़ के जाने वाले हैं, अपने अपने रीजन पर ये जबरदस्त कमाई करके ले जाएंगे। एक्वामैन 2 अगर मैं कहूँ तो इंडिया में इस बार 21 दिसंबर को जो रिलीज हो रही है, इस बार उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे कि अगर मैं एक्वामैन 1 की बताऊँ, तो एक्वामैन 1 ने सिर्फ इंडिया से पहला जो पार्ट था उसका कितनी कमाई करी थी, अराउंड 55 से 60 करोड़ के आसपास इसने कमाई करी थी। लेकिन इस बार डंकी का, शाहरुख खान की जो फॉर्म चल रही है, पठान से जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, पठान से जो फीडबैक हमें मिला, जवान से जो फीडबैक हमें मिला, एक ब्रांडिंग सेट जो करी है शाहरुख खान ने, भाई साहब दिल से अपने आप, मतलब दिमाग में सेट हो रहा है कि भाई हमें डंकी भी देखने होगी। क्योंकि इमोशनली शाहरुख खान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं अपने फैंस से, क्योंकि फैंस लोगों ने 4 साल वेट भी तो किया था शाहरुख खान का, और उसके बाद जब पठान जैसे ब्लॉकबस्टर आई, जब जवान जैसी ब्लॉकबस्टर आई, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिमाग में ये सेट हो जाता है कि यार डंकी भी तो हिट जानी ही जानी है। दूसरा, राजकुमार हिरानी जो ये नाम जोड़ रहा है, भाई ये ना जबरदस्त करने वाले हैं। क्योंकि राजकुमार हिरानी की आप कोई भी फिल्म ले लीजिए, प्रीवियस कोई भी मूवीज ले लीजिए, वो ब्लॉकबस्टर हिट गई ही गई हैं, और उनका कंटेंट सुपर 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 अमेजिंग रहा है, लाइक 3 इडियट, लाइक PK एंड मुन्ना भाई MBBS। तो भाई राजकुमार हिरानी के डंकी में नहीं फाड़ने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से फाड़ने वाले हैं, साथ में शाहरुख खान जो आ रहा है, तो ये जो कॉम्बो है ना, ऑसम फाड़ने वाला है। दूसरा, प्रभास के लिए यहाँ पर थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रभास की जो स्टार्डम था, ऐसा नहीं है कि प्रभास का स्टार्डम बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन जो हाई पीक पर स्टार्डम था वो था बाहुबली 2 के टाइम पे। लेकिन उसके बाद से जो 3-4 फिल्में आई हैं, साहो ले लीजिए आप, राधे श्याम ले लीजिए, अभी डिजास्टर मूवी, द मोस्ट एपिक डिजास्टर मूवी जिसे हम कहेंगे आदि पुरुष, वो आई है, तो यहाँ से ना प्रभास का नाम बहुत खराब हुआ है। लेकिन जो डाई हार्ड फैन होते हैं वो बिल्कुल प्रभास को सपोर्ट कर रहे हैं। आदि पुरुष के टाइम पर हमने देखा कि फर्स्ट डे 130 करोड़ से भी अबव का बिजनेस किया है, आई थिंक 140 करोड़ के आसपास फर्स्ट ओपनिंग रही है। तो ये किसकी रही है? ये सब डाई हार्ड फैंस की देन ही रही है। लेकिन उसके बाद मूवी पिट गई, और भयंकर तरीके से पिट। तो प्रभास के पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी कि सालार से ये कमबैक करेंगे, और सॉलिड कमबैक करेंगे, क्योंकि सालार का कंटेंट बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। एक्शन के मामले में फाड़ के जाने वाला है, क्योंकि प्रशांत नील जो डायरेक्टर है KGF के, और वही KGF यूनिवर्स अब हमें इसमें फॉरवर्ड होते दिखेगा, कहां, सालार में। तो भाई साहब देखो, कंटेंट अमेजिंग है, सब कुछ अमेजिंग है, बट जो टाइम है, जो क्लैश हो रहा है, ये बहुत गंदे समय पर हो रहा है। देखो, नॉर्थ बेल्ट में सालार को भी उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, साउथ बेल्ट में सालार फाड़ के जाने वाली है। डंकी को इस बार साउथ में उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में ये डंकी फाड़ के जाने वाली है। ओवरसीज से डंकी और सालार दोनों को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्वामैन 2 ये यूरोपियन कंट्री हो गई या USA हो गई, और यहीं से हमें मोस्ट ऑफ द
कलेक्शन देखने को मिलता है। साथ में गल्फ कंट्रीज, आप यूएई को ले लीजिए, वहाँ मार्वल एंड डीसी की मूवीज को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है, खासकर यूएसए में बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। एक्वामैन का अगर मैं बताऊँ, फर्स्ट पार्ट $1.1 बिलियन के आसपास ये मूवी कमाई करके ले गई थी, और सिर्फ यूएसए से अराउंड $350 मिलियन से अब ये मूवी गई थी। तो यूएसए और यूरोपियन कंट्री लाइक यूके हो गई, एंड गल्फ कंट्री लाइक यूएई हो गई, जहाँ से हमें मोस्ट ऑफ द कमाई देखने को मिलती है, खास पठान, जवान लाइक बाहुबली 2। लेकिन इस बार थोड़ा मामला ठंडा देखने को मिलेगा। जैसे पठान ने 400 करोड़ कंप्लीट किए थे, तो शाहरुख खान की इस बार डंकी मूवी इतना ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं कर पाएगी, लेकिन मे बी 150 से 200 करोड़ ये निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदी ऑडियंस है, जो इंडियन ऑडियंस है, वो तो एक बार के लिए प्रिफ्रेंस हमारी इंडियन मूवी को जरूर देंगे। तो भाई साहब, इस बार होने वाला है घमासान युद्ध, न कि सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हॉलीवुड इंडस्ट्री में ऑल्सो। एक्वामैन 2 को इतना ज़्यादा घाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्वामैन 1 की अगर हम देखें तो मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 55 से 60 करोड़ की कमाई करी थी, तो इस बार 15 से 20 करोड़ तो ये फिर भी निकाल ले जाएगी, क्योंकि हैं यहाँ पर हॉलीवुड के एंड सुपर हीरोज मूवीज़ के बहुत ज़्यादा फैन हैं। इवन आई एम ऑल्सो अ ह्यूज फैन ऑफ मार्वल एंड डीसी क्रिएशंस। तो लेकिन ऐसा नहीं है, डंकी और सालार के लिए मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। तो आप सबसे ज़्यादा किस मूवी के लिए वेट कर रहे हैं, डंकी के लिए, सालार के लिए, या एक्वामैन 2 के लिए? और यहाँ आप ये भी बता के जाना कि यहाँ सबसे ज़्यादा घाटा किसको होने वाला है, क्योंकि एक बार देखा जाए तो डंकी को भी उतना घाटा नहीं होगा, सालार को भी। देखो, तीनों को ही घाटा नहीं होने वाला है अगर मैं देखूं, लेकिन वो लेवल की कमाई नहीं कर पाएंगे जिसके लिए इनका पोटेंशियल है, वो कमाई नहीं हो पाएगी। मूवी तीनों ब्लॉकबस्टर जाने वाली हैं। आप किसके लिए ज़्यादा वेट कर रहे हैं और कौन सी मूवी पहले देखने वाले हैं? मैं अपना बताऊं तो मैं पहले डंकी देखूंगा, देन सालार, देन एक्वामैन 2। आपके हिसाब से आप कौन सी मूवी देखेंगे? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।